चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम किस तरह से हम सॉलिडवर्क्स में स्केच के रिलेशन हम लगाते हैं। सिंपली वन बाय वन हम सभी रिलेशंस को देखेंगे। तो रिलेशन लगाने के लिए सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर एक प्लेन, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इतना करने के बाद फर्स्ट हम देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशन दे सकते हैं। एक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वन मून लाइन ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो सिंपली यदि हमको इस वाली लाइन को यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और सिंपली आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी लाइन या पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हमको ऐड रिलेशन उसमें शो होते हैं, जितने भी पॉसिबल रिलेशन उस वाले पॉइंट को जिसमें हमने सिलेक्ट किया है उसमें लग सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऐड रिलेशन में हमारे पास यहाँ पर तीन रिलेशन है, यानी कि ये तीन रिलेशन हम इस लाइन पर क्रिएट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिलेशन, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हमारा रिलेशन इसमें लग जाएगा। और यदि आपको इस रिलेशन के यहाँ पर शो करना है किस तरह से हमारा रिलेशन शो हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से रिलेशन शो हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन वन रिलेशन। और यदि आपको यहाँ पर वर्टिकल लगाना है तो आप इसको लाइन को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर वर्टिकल रिलेशन भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सिंपली सपोज करिए अभी हमको यहाँ पर लगाना है कोइंसिडेंट रिलेशन। तो कोइंसिडेंट रिलेशन के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको करना है इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रिलेशन आएंगे। तो सपोज करिए हम कोइंसिडेंट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर ये कोइंसिडेंट यहाँ पर लग चुका है, यानी कि इसी लाइन के अबाउट हमारा ये इस तरह से यहाँ पर मूव कर सकता है। और यदि हमको इसी में परपेंडिकुलर रिलेशन देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं डिलीट और क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से लाइन क्रिएट करके स्केच। अभी इसको हमको इसके परपेंडिकुलर करना है तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ लेते हैं इस दूसरी लाइन को। और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर हो चुका है। ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगा। सिंपली इतना करने के बाद अभी देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पर पहला जो रिलेशन होता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम वन मोर लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर ली और इन दोनों लाइन्स को यहाँ पर पैरेलल करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और दोनों लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास अगेन से आएगा लेफ्ट में पैरेलल का ऑप्शन। तो पैरेलल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर पैरेलल हो चुका है। ओके करते हैं इसको और पैरेलल करने के बाद अगेन से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर टेंजेंट लगा सकते हैं। तो टेंजेंट के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके, तो सपोज करिए इस सर्कल को इस लाइन के साथ हमको यहाँ पर टेंजेंट करना है तो इसके लिए इस सर्कल को लेंगे, सेलेक्ट करते हैं सबके साथ इस लाइन को। तो अब देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पॉसिबल रिलेशन आ रहा है टेंजेंट, तो टेंजेंट को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इससे टेंजेंट हो जाएगा। इस लाइन को आप इस तरह से मूव कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टच हो रहा है। और यदि आप सर्कल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो शो हो जाएगा कि कौन सा रिलेशन हमारे इस सर्कल पर लगा हुआ है। तो इतना करने के बाद अभी देखते हैं हम किस तरह से कोसेंट्रिक रिलेशन दे सकते हैं। तो कोसेंट्रिक रिलेशन कितनी भी दो सर्कल्स के बीच में दे सकते हैं। अभी हम वन मोर सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। कोसेंट्रिक मीन्स दैट यहाँ पर जो हमारा दोनों सर्किल होंगे इन दोनों का जो सेंटर होगा सेंटर पॉइंट वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक ही हो जाएगा। सिलेक्ट करते हैं इस सर्किल को, इस सर्किल को भी कर लेते हैं सिलेक्ट। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे कोसेंट्रिक का हमारा ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। क्विक करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारा कोसेंट्रिक रिलेशन इसमें लाइव हो चुका है। अभी सपोज करिए हमको यहाँ पर कोरेडियल का ऑप्शन इसमें देना है, रिलेशन ऐड करना है तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा कोसेंट्रिक और टेंजेंट दोनों अप्लाई हो जाएंगे उसमें। तो हमारा सेंटर को इसमें है ही, यानी कि कोसेंट्रिक हमारा ऑलरेडी है। तो यदि हम कोरेडियल करेंगे तो हमारा इस तरह से कोरेडियल हो जाएगा और दोनों सर्कल आपस में मर्ज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद देखते हैं कि किस तरह से हम इक्वल कंस्टेंट यूज करते हैं। अब सपोज करिए हमने यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट किया है, इसको हम दे देते हैं डायमेंशन। तो हम ले लेते हैं इसको 10
और इसी तरह से हम यहाँ पर वन मोर सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम रख रहे हैं यहाँ पर रैंडम। और यदि हमको इसको इसके इक्वल करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ दोनों को, और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में इक्वल का हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो इक्वल पे आपको क्लिक कर देना है तो जो हमारे दोनों सर्कल है वो दोनों सेम डायमीटर के हो जाएंगे। यदि आपको चेक करना है कि इसका डायमीटर 10 है या नहीं तो आप सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि इसका डायमीटर सेम है। और इतना करने के बाद अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से इक्वल कर्व लेंथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए अगेन से करते हैं इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर हमको सिलेक्ट करने हैं कुछ इस तरह से एक सर्कल और इस तरह से एक लाइन। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इक्वल कर्व लेंथ हमारा ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो हमारा इक्वल कर्व लेंथ का जो रिलेशन है इसमें यहाँ पर हमारा ये अप्लाई हो चुका है। और इसको करने के बाद कंट्रोल एट करते हैं व्यू ओरिएंटेशन के लिए, और यहाँ पर अभी देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पर मिड पॉइंट रिलेशन यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट रिलेशन के लिए एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, अगेन से लेते हैं वर्ब मोड लाइन। तो अभी सपोज करिए मैं यदि इसका ये वाला पॉइंट लेता हूँ और इस वाली जो लाइन है इसके बीच के पॉइंट पर हमको यहाँ पर इस वाले पॉइंट को फिक्स करना है, तो इसके इस पॉइंट को लेंगे और जिस लाइन के बीच में आपको फिक्स करना है शिफ्ट के साथ उस लाइन को लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मिड पॉइंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, इसको आपको सिलेक्ट करना है तो हमारा यहाँ पर ये इस पॉइंट पर रिलेशन अप्लाई हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके रिलेशन भी देख सकते हैं। वो अभी हम देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन यूज करने के लिए इस तरह से एक सिमेट्रिक लाइन ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं दो लाइन जो कि हम डिफरेंट डिस्टेंस पर रखेंगे। इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके यूज करेंगे एज ए वर्टिकल, इस वाली लाइन को करेंगे डिलीट। और अभी आप देखेंगे कि यदि मैं एक लाइन को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो हमारी दूसरी लाइन एज इट इज है, तो अभी हम दे देते हैं इस यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सिमेट्रिक दोनों लाइंस, और सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा लेफ्ट साइड में सिमेट्रिक ऑप्शन एक्टिवेट है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, और यदि आप इसको मूव करेंगे तो दूसरी साइड की हमारी लाइन ऑटोमेटिकली इस तरह से मूव करेगी। तो इसको करने के बाद अगेन देखेंगे कि मर्ज रिलेशन हमारा किस तरह से काम करता है। तो मर्ज रिलेशन के लिए अगेन लेते हैं लाइन, सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ दोनों पॉइंट्स को, तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि सबसे नीचे मर्ज रिलेशन हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस पर जैसे सिलेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट्स आपस में हमारे यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। तो सिंपली इसको मर्ज करने के बाद ये वाला ऑप्शन भी हमारा रिलेशन शो हो चुका है। तो इसको करने के बाद अगेन ले लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल। अभी हमको शो करना है किस तरह से हम यहाँ पर पेयर्स रिलेशन देते हैं। इसके लिए सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा और हेलिक्स एंड स्पायरल में जाएंगे। ओके, तो इसमें और सभी आइटम्स को यहाँ पर जो भी हमारे स्केचेस हैं डिलीट कर देते हैं। अभी करते हैं हम यहाँ पर हेलिक्स एंड स्पायरल पर क्लिक। तो हमने एक रैंडम स्पायरल यूज कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक पॉइंट के लिए प्लेन, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके एंड पॉइंट को लेंगे, तो इस पॉइंट पर कुछ तरह से प्लेन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं एक सर्कल, ये हमारा यहाँ पर रैंडम है यानी कि इस पॉइंट पर ये फिक्स नहीं है, तो आप इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। और अभी हमको यहाँ पर पेयर रिलेशन देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले हेलिक्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ लेंगे इस सर्कल को, और इतना करने के बाद ओके, तो आपको इस वाले हेलिक्स को लेना है और इसके इस वाले पॉइंट को लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी लेफ्ट साइड में पेयर्स का रिलेशन हमारा शो हो रहा है जो कि हमारे पास एक ही पॉसिबल रिलेशन है, तो इसको क्लिक करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर इसके साथ पेयर्स हो जाएगा और यहाँ पर ये मूव नहीं होगा यानी कि फिक्स हो जाएगा। तो इसको करने के बाद यदि आपको मैं शो करूँगी किस तरह से हम फिक्स रिलेशन देते हैं, तो उसके लिए हम इसको करते हैं यहाँ पर एग्जिट एनी प्लेन लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं कोई एक सर्कल। और यदि सपोज करिए मुझको फिक्स रिलेशन यूज करना है तो रैंडम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास फिक्स रिलेशन का जो ऐड हो रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस वजह से हम क्लिक करेंगे
और ओके करेंगे तो हमारा यहाँ पर फुली डिफाइन शो होगा, ब्लैक हो जाएगा यानी कि। और राइट साइड में नीचे देखेंगे फुली डिफाइन लिखा हुआ है जहाँ पर ये कर्सर है, तो इस तरह से आप इसमें फिक्स रिलेशन का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो इतना करने के बाद हमारे मैक्सिमम सभी रिलेशन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।